हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। आज सभी का स्वागत है बायो ब्लॉगिंग में। इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं असगर अब्बास। आज इनसे कुछ गुफ्तगू होंगी बायोलॉजी से रिलेटेड। तो पहला सवाल स्क्रीन पे है कि बताइए जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल कौन होता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल राइबोसोम। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम। ये बताइए जो है सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम। अच्छा, ये बताइए जो है WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बताइए जो है सेल मेम्ब्रेन से कि इन्वेजिनेशन से ट्यूब्यूल लाइक वेसिकल लाइक लेमिनाई लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है फॉर्म सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया इन प्रोकैरियोट। सर इट्स क्रोमेटोफोर। नो सर, लेट मी गेस। सेल मेम्ब्रेन से बनता है कि इन्वेजिनेशन से स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है मीसोसोम। यस सर, इट हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड अदर फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया और डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन, यस सर, ऑल दैट। एंड ऑक्सीजन यानी रिस्पायरेशन भी इसी से करता है। यस सर, है ना। ये बताइए जो है क्रोमेटोफोर का फंक्शन क्या है? क्रोमेटोफोर्स सर दे कंटेन पिगमेंट्स विच हेल्प इन मींस रिस्पिरेशन एंड इफ इट हैव फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस, यस, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन द क्रोमेटोफोर। न्यूमेटोफोर का फंक्शंस क्या होता है? न्यूमेटोफोर्स दैट इज दे आर द रूट्स फाउंड इन द मींस मैंग्रोव प्लांट्स। इट हेल्प्स इन रिस्पिरेशन। ठीक है ना, मार्शी एरियाज में जो प्लांट पाए जाते हैं जैसे राइजोफोरा। यस सर, ठीक है ना, ये लोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए जो है एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल। एक्टिनोमॉर्फिक सर मस्टर्ड, चिली, धतूरा। चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई, यस, है ना, ये याद रखिए। अच्छा, ये बताइए जो है मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फार्म में फूड स्टोर किसका होता है? मैनिटॉल एंड लेमिनॉल सर ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा, दूसरा नाम ब्राउन एल्गा का फियोफाइसे। वेरी गुड। ये बताइए जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। मैंगो का, मैंगो की फैमिली बताइए। एनाकार्डियसी। एनाकार्डियसी फैमिली, वेरी गुड। और ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर है सर सपिंडल्स। सपिंडल्स, गुड, याद रखिएगा आप लोग भी। ये बताइए जो है सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। मैक्सिमम सर हेटरोट्रॉफिक होते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा? उसमें भी सर होते हैं कीमोट, मतलब उसमें भी सबसे ज्यादा होते हैं डीकंपोजर्स। क्या होता है डीकंपोजर? कोई ऐसा बैक्टीरिया बताइए जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? सर इट्स माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल, यस सर, है ना, स्मॉलेस्ट सेल। अच्छा, ये बताइए जो है डायनोफ्लैजेलेट्स में जो है फ्लैजेला कैसा होता है? इन डायनोफ्लैजेलेट्स सर टू ट्रांसवर्स, मतलब फ्लैजेला पाए जाते हैं जो सेल वॉल से, मतलब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड। यस सर, तो इक्वल होते हैं या अनइक्वल? अनइक्वल होते हैं सर। अनइक्वल सर, वेट सर, इक्वल फ्लैजेला होते हैं। इक्वल होते हैं। क्राइसोफाइट्स में? क्राइसोफाइट्स सर देयर नो फ्लैजेला, दे आर फाइटोप्लैंकटन। यस, नो फ्लैजेला, इट मूव्स पैसिवली बाय द वाटर करंट्स, थ्रू द वाटर करंट्स। यस सर, है ना। अच्छा, गोल्डन एल्गा किसे कहते हैं? सर डेसमिड्स। डेसमिड्स, यस सर। ये बताइए जो है फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई का नाम? इट्स पेनिसिलियम। अरे सॉरी, ये तो एंटीबायोटिक है ना सर,
Saccharomyces cerevisiae, Baker's yeast, Brewer's yeast, and all that. good going. And now, first land plant with vascular system. So it's Pteridophyta. Pteridophyta. First land plant without vascular system. It was Bryophyta. Bryophyta. Naked is seed found in Bryophyta. First time. No, sorry, sir. It's a Pteridophyta because seed habit start from there. Naked seed present. Sir, gymnosperm jaega. Gymnosperm. Sir, seed habit start with the seed. Yes, gymnos naked seed. Gymnos means he hota hai naked seed. Do plant bataiye gymnosperm ke. Gymnosperm mein sir ek to sir jo hai eucalyptus sir jo hota hai na. Do plant gymnosperm ke jo bahut zyada puchhe jane wale. CP. Cycas and Pinus, yes sir. Pinus, yes sir. Sorry. Eucalyptus is a member of? Sir, वो angiosperm. Angiosperm, good. Largest angiosperm. ये बताइए pseudocelibate कौन होता है? Pseudocelibate in which the mesoderm is present in patches. तो example of pseudocelibate? Pseudocelibate sir होते हैं Ascalminthes. Ascalminthes, very good. अच्छा placoid scales कहाँ पाए जाते हैं? Placoid scales are found in Condictis. Condictis, good. Condictis. And cetinoid scales? Sir, they are found in Osteichthyes. Osteichthyes, good. Three in one opening? Cloaca. Cloaca. Yes, sir. Good. ये बताइए, creeping and crawling movement कौन करता है? Reptilians. Reptilians, good. Ring arrangement of vascular bundle is a characteristics of? The ring arrangement of vascular bundle? Dicotyston. Dicotyston, good. Bulliform cells are found in? Sir, leaf. कौन सी leaf? Monocot या dicot? Sir, dicot leaf. Dicot leaf. Bulliform में पाई जाती है वो? Monocot leaf. Monocot leaf में होते याद रखिए, ठीक है ना? ये बताइए जरा, open vascular bundle कहाँ होता है? Open vascular bundle. Dicot या monocot? सर ओपन सर मोनोकॉट में होता है. क्या बताया था? कोड बताया था. कैम्बियम प्रेजेंट ओपन डाइकॉट. यस सर, याद रखना. हाँ ठीक है ना. ठीक ये बताइए जो है क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? पॉरीफेरा. पॉरीफेरा. अच्छा ये बताइए जो है हम लोग सांस एक मिनट में कितनी बार लेते हैं? जो सांस हम लोग लेते हैं ब्रीथिंग वो एक मिनट में कितनी बार लेते हैं? 16 से 20 ठीक है ना. 16 से 20 भी 20 तक नॉर्मल है. अबव 20 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि कोई डिसीज हो गई, पैथोलॉजी कोई हो चुकी है. ये बताइए जो है लाइफ स्पैन ऑफ बैनियन ट्री. बैनियन ट्री लाइफ स्पैन 300 से 500 साल. ये बताइए जो है एग्जाम्पल ऑफ डाइओशियस प्लांट. डाइओशियस प्लांट कुछ याद कराया था डीपीडी एमसीक्यू सर. पाइनस वो तो है. पाइनस मोनोशियस. साइकस डाइओशियस, ठीक है ना. जैसे पपाया डेट पाम ये सब एग्जांपल. ये सर डीपीडी. डीपीडी. ये बताइए जो है एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल कहाँ पाई जाती है? कौन से एंड पे?
माइक्रो पाइलर एंड पे होती हैं या एंटीबॉडल से होती हैं सर? एंटीबॉडल नहीं सर, अपोजिट टू द माइक्रो पाइलर एंड। हाँ तो वो कौन से एंड? वो है सर चलाजल एंड। चलाजल एंड है ना, और वो कहाँ पाया जाता है? वो बेस पाया जाता है। बेस पाया जाता है, एबीसी याद कराया था, ए फॉर एंटीबॉडल्स, बी फॉर बेस, सी फॉर चलाजल एंड। अच्छा सेंट्रल सेल किससे बनती है? सेंट्रल सेल सर बनती है दो पोलर न्यूक्लियाई रहती है और एक सर मेल, मतलब मेल गैमेट रहता है, मतलब एक पोलर एक पोलर सेल। तब तो इंडोस्पर्म बन जाएगा। हां दो पोलर न्यूक्लियाई सर जब फ्यूज करते हैं तो बनता है सही है सेंट्रल न्यूक्लियाई, जब फर्दर फ्यूजन होगा तब इंडोस्पर्म बनता है, तब इंडोस्पर्म बनेगा है ना, इसको बोलते हैं ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन सर। अच्छा माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोपाइल का सर पेनिट्रेशन, मतलब सर यहां से पोलर ट्यूब सर अंदर इंटर करता है उसके अंदर। और क्या फायदा होता है माइक्रोपाइल से? माइक्रोपाइल एक तो पोलर ट्यूब पे जा रहा है, दूसरा वाटर न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ये सबको मिलना है ना जो है। ये बताइए जरा ज़िप्ट का फुल फॉर्म? ज़िप ज़ाइगोट इंटा इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अच्छा गिफ्ट का बताइए? गिफ्ट का है सर वही सर गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इनफर्टिलिटी हम कब कहेंगे? इनफर्टिलिटी कितने साल तक अगर रिप्रोडक्शन किया जाए विदाउट यूजिंग एनी बैरियर मेथड तो हम लोग इनफर्टिलिटी बोलेंगे? एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल? दो से तीन साल सर। एग्जैक्टली याद रखिएगा एनसीईआरटी के समरी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो साल तक अगर विदाउट यूजिंग एनी बैरियर मेथड रिप्रोडक्शन किया जाए और बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे तो इनफर्टिलिटी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों के यहाँ एमबीबीएस में है कि वन ईयर तक, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। और इस पंप पर ml 15 मिलियन से कम अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इनफर्टिलिटी के चांस हो सकते हैं आप, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये बताइए जरा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट चेन। हर्बर्ट बॉयर। हर्बर्ट बॉयर, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होता है। और वेक्टर कितना काम करता है सर? एज अ वेक्टर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, इसलिए एज अ प्लाज्मिड यूज, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड सर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम? ब्यूटेरिक एसिड। अच्छा साइक्लोस्पोरिन दवा कहाँ यूज होती है? साइक्लोस्पोरिन सर ये सर कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट। तो ये बताइए जो है एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस का यूज कहाँ किया गया था? एग्रोबैक्टीरियम ये भी वेक्टर की तरह यूज होता है सर। टीआई जीन के ट्रांसफर करने के लिए टीआई प्लाज्मिड में तो यूज हुआ था। यस सर। और कहाँ? आरएनए आई। यस सर। हाँ आरएनए आई। इन्फेक्शन किसका होता था? इन्फेक्शन सर होता था मिलो आर्डोगाइनी इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया इन्फेक्ट करता था ये किसको? होता टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट इसी के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए हम लोगों ने एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया था। यस सर। एज अ वेक्टर की तरह इससे फॉरेन जीन ट्रांसफर करके उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के इसको रोक रहा था। अच्छा बीटी टॉक्सिन जीन यस सर जो है किसको मारता है? सर बहुत सारे मतलब सर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जैसे सर एक दो बताओ सर लेपिडोप्टेरान्स हो गए। लेपिडोप्टेरान्स और सर उसके अंदर सर आप आते हैं आर्मीवॉर्म्स आर्मीवॉर्म्स आते हैं कोलियोप्टेरान्स ये सब को मारने के लिए हम लोग इसमें फ्लीज मॉस्किटो ये सब को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक्टिव किस पीएच पे होता है? बी टॉक्सिन सर अल्कलाइन पीएच पे होता है सर। माइक्रो इंजेक्शन मेथड किस में यूज करते हैं एनिमल में या प्लांट में? एनिमल में यूज करते हैं एनिमल में। बैलिस्टिक जीन गन मेथड सर वो प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं। अच्छा क्राई फर्स्ट एबी किसको मारता है? क्राई फर्स्ट एबी सर कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवॉर्म को सर वो क्राई क्राई फर्स्ट
क्राइड फर्स्ट ए सी और क्राइड सेकेंड ए बी। ए बी ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस पर जो है ध्यान रखें। अच्छा ये बताइए जो है नाना, नाना क्या था सर? मोस्ट ऑफ एनाबीना एंड आलू सेरा सर, देयर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन व्हिच स्ट्रक्चर प्रेजेंट? हेटरोसिस्ट सेल। हेटरोसिस्ट फंक्शंस ऑफ हेटरोसिस्ट सो सेम हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बैक्टीरिया। इट एक्सेप्ट द नाइट्रोजन, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन यस सर, एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन, देन नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। यस सर। ये बताइए जरा बायोगैस में कौन कौन सी गैस का मिक्सचर होता है? बायोगैस में मीथेन हो गई, CO2 और जनरली H2S में लेते हैं। H2S है ना? यस। ये तीन गैस का मिक्सचर है। अच्छा ये बताइए जरा BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप लोग भी नोट करिए, ये गलत बता रहे हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो धोखा खा जाते हैं। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी किसका ज्यादा होता है? पॉल्यूटेड वाटर का। अच्छा ये बताइए जो है, कोई नहीं होता है, तो यही सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये इंटरव्यू से क्या पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, है ना? तो अभी हम लोग बहुत ही इंटरव्यू लेने वाले हैं बच्चों का, जिससे आपको भी एक वो आइडियाज़ लगेंगे कि क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं और सारे सवाल के जवाब दे रहे हैं, जो गलत हैं उसको हम सही कर रहे हैं और आप लोग भी सही करिए, है ना? इस तरह से हमारी एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बायोलॉजी में एक रिवोल्यूशन आएगा। आप लोग भी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अगला सवाल, टफ सवाल इस बार पूछेंगे आपसे, आप बताइए जो है स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन किस मरज में इस्तेमाल होता है, किस डिसीज में? सर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है ना? इन्फार्क्शन का मतलब डेथ ऑफ टिश्यू। यस सर। ठीक है, टिश्यूज की डेथ हो गई है ना, डैमेज हो गए हैं। यस। ठीक। अच्छा ये बताइए जरा, ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान हम लोगों को क्रॉप की प्रोडक्शन कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ा था? सर ट्रिपल कर दिया था प्रोडक्शन को, 3 times हम लोगों ने जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया था। अच्छा PCR आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना? यस। अच्छा PCR की स्टेप बता सकते हैं? यस सर। बताइए सर, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज एनियलिंग एंड द फर्दर इज एक्सटेंशन। डेट से याद रखिएगा, डेट, ठीक है ना? डीनेचुरेशन, ए फॉर एनिलिंग, टी फॉर टैग पॉलीमरेज, ई फॉर एक्सटेंशन। यस सर। ठीक। अच्छा ये बताइए जरा, एग्रोस जेल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यस सर कौन से फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आगे की तरफ मूव करते हैं? स्पीड फास्ट होती है, वेलोसिटी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो या फिर जिनका साइज सब छोटा होगा, वो एनोड पे जल्दी आएंगे। एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे। डीएनए पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव सर, नेगेटिव चार्ज, फास्फेट ग्रुप पे है सर। ठीक है। अच्छा हम लोगों को उसको देखना है तो कौन सी डाई हम लोग यूज करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड, तो कलर कैसा दिखता है? ब्राइट ऑरेंज कलर। ये क्वेश्चन आ चुका है, ब्राइट ऑरेंज कलर। किस लैंप में देखते हैं? लैंप एक लगाते हैं उसको देखने के लिए, उस लैंप का नाम होता है यूवी रेस। याद रखिएगा, वो लैंप जो होता है यूवी रेस होती है, यूवी रेस का लैंप लगाते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डाई होती है, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है। जब हम लोग उसको निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन, इल्यूशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा बताइए काइटिनेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? सर सेल वॉल ऑफ फंजाई, काइटिन, फंजाई। अच्छा लाइसोजाइम किसको मारने के लिए इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को। प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। और आरएनए किसको डाइजेस्ट करता है? आरएनए को। डीएनए किसको डाइजेस्ट करता है? डीएनए को, डीएनए को, है ना? यस सर। तो डीएनए को डाइजेस्ट कर, ये एस बाद में लग गया, वो सारे एंजाइम होते हैं, yes. है ना? जिसको निकालना है उस एंजाइम को हम यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? जो है अगला ये बताइए जो है,
बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, बी टॉक्सिन पे आएगा क्वेश्चन, इस बार भी 100% है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। PBR322 ये बहुत ज़्यादा, इस पर दो जीन बताओ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन कौन कौन से थे सर? टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन। टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन जीन थे, है ना? यस सर। अच्छा, एम्पीसिलिन पे कौन कौन से थे क्लोनिंग साइट्स? बैमेचुअन, अमन प्रशांत पवार, एम्पीसिलिन PST1 PBU1, ठीक है ना? टेट्रासाइक्लिन पे सालमन बैमेचुअन, सलमान भट्ट, यस सर, याद कराए थे। अच्छा ये बताइए जो है लास्ट क्वेश्चंस, हायर प्लांट्स और फंजाई का रिलेशन क्या कहलाता है? हायर प्लांट्स एंड फंजाई का रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन और माइकोराइजल एसोसिएशन। इसमें जीनस क्या होता है? ग्लोमस मेनली किस मिनरल को अब्सॉर्ब करता है? फास्फोरस को अब्सॉर्ब करता है। इसी के साथ हम लोग करते हैं इस सेशन को खत्म। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्जॉय करिए इस लेक्चर को, और इसी के साथ बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं लास्ट तक। नया बैच जो हमारा शुरू हो रहा है, मार्च में शुरू हो रहा है एग्जाम खत्म होने के बाद, तो आप लोग जो है फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा।